किसी की साइकिल आकर ले जाओ अंकल से 3,000 रुपये खरीद ले आ रहे चोर बाजार से। ये भाई हैं जिन्होंने चोर बाजार से 4,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा है। ये देखो JBL है, निकॉन है, फोन वोन भी मिलने, बैटरी। अब बताओ 100 रुपये में फोन दे रहे हैं भाई, अब क्या इनकी जान लोगे अंकल की? ये लो भाई 300 में जींस चेक करो। क्या भैया एक्शन कैमरे का कितना रुपये बता रहे हैं ये? 800। देखो भाई सामने जामा मस्जिद दिख रहा है आपको, इतनी सारी भीड़ देख रहे हो, सब खरीदारी करने के लिए आई है। सो गाइस अभी तक आप लोगों ने इस तरह की यूट्यूब पर ना जाने अनगिनत कितनी सारी वीडियो को देखा होगा जिसमें बताया जाता है कि भाई लैपटॉप मिल रहा है 2,000 रुपये में, कैमरा मिल रहा है 500 रुपये में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि इतना सस्ता रेट है। तो आज दोस्तों संडे है और आज हम जा रहे हैं दिल्ली के चोर बाज़ार। और भाई मैं आप सभी जानते हैं कि भाई मैं रियलिटी दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कितने रुपये की मिल रही है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो लेट्स गो। तो भाई जब सुबह के बजे 7 और मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली के चोर बाजार, ठीक है? और यहाँ पे भाई रोड पे ही देखोगे आप तो भाई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे। और देखो जीन्स हैं और शर्ट है, और आगे देखोगे तो भाई जूते वूते सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? पाइनएप्पल भी है, ये देखो 100 रुपये में पर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं एज यू कैन सी। सो अभी हम चलते हैं चोर बाजार के एंट्री पॉइंट पे, उसके बाद एंट्री करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है? शैम्पू भी मिल रहा है भाई। और दोस्तों मैं रैंडम ही एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था जो लाल किला और जामा मस्जिद के बीच में जो रोड है वहाँ पर जो जूते बिक रहे थे, जो कपड़े बिक रहे थे, जो आइटम बिक रहे थे, उनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, शूट कर रहा था। तभी भाई एक लड़का आ गया अचानक से और वो कह रहा है कि भाई मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही सुन लो। देखो अगर रोड के उस पार देखोगे ना भाई तो लाल किला है दिल्ली का, और इधर रोड के साइड भाई जूते ही जूते मिल रहे हैं, इतने सारे जूते जूते, सब लोग जूते जूते बेच रहे हैं। फोन वगैरह किधर मिलेगा? फोन वगैरह बताने भाई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं मिल जाता है तो। हाँ भाई फिर आप यूट्यूब पर डालोगे इसको? हाँ हाँ, तो यूट्यूब पर बहुत कुछ दिखाता है यार। दिखाता तो बहुत कुछ है यार, वही मैं देखने आया हूँ कि मिलता भी या नहीं मिलता है। नहीं मिलता यार, मैं रात से ही घूम रहा हूँ भाई, नहीं मिला, नहीं मिला, ना कैमरा मिला ना फोन मिला। तो स्कूटी स्कूटी वाले आते थे वो? कुछ नहीं मिला, हमको कम से कम हो गया 12 बजे घूम रहा हूँ, अभी तक मेरे को कुछ मिला ही नहीं यार। तो देखो भाई एक भाई थे लुधियाना से आए हुए थे, लेकिन उनको भाई कैमरा मिल ही नहीं रहा, कैमरा ही ढूंढ रहे थे यहाँ। लेकिन भाई मैं बता दूँ कि कैमरा मिलता है, और बहुत सारे लोगों को लोकेशन नहीं मिल पाती है, तो लोकेशन मैं आज जो है करंट लोकेशन लेके आया हूँ जहाँ पर कैमरा और ड्रोन ये सब चीज़ें मिलती हैं, लैपटॉप मिलती है। तो उनका लोकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चोर बाजार जाओ तो लोकेशन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और भाई लोकेशन पे पहुंच जाओ, उसी के आसपास में आपको लैपटॉप मिल जाएगा बिकता हुआ। चोर बाजार के एंट्री पॉइंट कह सकते हो उसे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या भाई कैसे दे रहे हो, क्या भाई कैसे दे रहे हो नेक बैंड? 150 रुपये भाई साहब। हॉर्न चेक करो इधर, हॉर्न क्या भैया, हॉर्न कैसे दे रहे हो, कैसे दे रहे हो हॉर्न? हॉर्न ये छोटे वाले 300 रुपये, छोटे वाले 300, और ये बड़े वाले जो स्प्लेंडर में लगते हैं ना ये 450 भाई, 450, और ये 300। आन लेना हो तो भाई भैया के पास आ जाओ, ये रे ठीक है। क्या भाई चप्पल कैसे हैं? 200 रुपये स्पार्क की मिल रही है, 100 रुपये की बेल्ट है भाई, जिम इक्विपमेंट भी मिल रहे हैं, किसी को बैट चाहिए और जिम का सामान चाहिए तो सारा कुछ इधर मिल रहा है, चेक कर सकते हो भाई, पूरी गाड़ी भर भर के। अंकल मोजे कैसे? 100 रुपये के 4 पैकेट, 12 जोड़े 100 रुपये के, 100 रुपये के 4 पैकेट, 12 मोजे 10 रुपये एक मोजा। पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल। और अंकल जी फुटबॉल कैसे है? ये कितने वाली है? 280। और ये कोस्को की आ रही थी, बास्केटबॉल भी है क्या ये? हाँ। ये कितने की है? 500 रुपये की बास्केटबॉल है भाई, लेने आओ किसी को तो अंकल के पास आ जाओ भाई, देखो। और इधर बगल में घड़ी भी मिल रही है, कैसे दे रहे हो भाई घड़ी? 300 वाली कौन सी है? 300 वाली भाई है, और भी है सर 300 से स्टार्टिंग हो जाती है घड़ियाँ की, यहाँ पर लेने आओ किसी को, फुटबॉल वाले के बगल में लगाते हैं। और भाई बेल्टे कैसे दे रहे हो? 100 का दो, एक बार होता मैं लेके गया था यहीं से, वो ख़राब हो गई यार, ऐसे ही दिशा दो, ये इधर से उखड़ने लग गया। और ऊपर जो लगी हुई है, ऊपर 100 का एक, ये लो भाई 300 में जींस चेक करो,
आपको एक पैंट भी 1000 रुपए में नहीं मिलेगी मेरे भाई। अच्छी लग रही है भाई, फील अच्छी है। बोले किसी को टेम्पर्ड लगवाना तो 50 रुपए में टेम्पर्ड। इन्हें भाई क्लियरिटी कैसी आ रही है इसकी, बैटरी नहीं चलेगी। कितने दे रहे हो ये? 2500 रुपए में। 2500 नहीं होता, निकल जाता है ट्रिमर 550 रुपए का। बहुत सारी चीज़ें इनके पास, टॉर्बेट चाहिए बिस्तर पूछने वाला वो भी है इधर देखो, उसके बगल में बहुत सारे आइटम मिल जाए, जूते वूते सब है, बर्तन वर्तन भाई, फुटबॉल जिम इक्विपमेंट सब, मिक्सर मशीन 600 रुपए, प्रेस वेस भी 300 से शुरू हो जाए, सेकेंड हैंड आइटम 750। पीछे देखोगे उस तरफ तो भाई सब होम थिएटर टाइप का सामान मिल रहा है, स्पीकर स्पीकर के गाने वाने बजाने हो तो ले लो, और इधर प्लास व्लास भी मिल रहे हैं, 60 रुपए का प्लास है भाई। 60 रुपए का तो दुकान भी मिलेगा। कितने की दे रहे हो चट्टी? 60 रुपए भाई चट्टी, 60 रुपए। देखो भाई किसी को अगर हार्डवेयर का सामान चाहिए घर में, मतलब फिटिंग वटिंग का, तो वो भी देखो इधर मिल रहा है, सावर पावर्स ये सब चीज़ें भी मिल रही हैं इधर। टीवी मिल रही है भाई, पता नहीं कौन सी, क्राउन टीवी, सैमसंग की टीवी है भाई उधर, और ये देखो आईपैड भी है, लैपटॉप, सीपीयू भी है भाई, प्रिंटर भी है, बहुत सारी चीज़ें इधर, ड्रिल मशीन भी है भाई, देखो चेक करो भाई क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इधर, ट्रिमर भी है, घड़ी भी है, स्पीकर साथ में ही है, रिंग लाइट, ट्राइपॉड। चाइना कितना बता यूट्यूब पे सोच रहा हूँ आके मैं भी देखूँ क्या क्या चीज़ें मिलती है। एक लड़का मिला कह रहा है आईफोन ढूंढते ढूंढते थक गया, 12 बजे से मिला नहीं मेरे को। देख रहे हो भाई डी एस एल आर मिल रहे हैं इधर, देखो डी एस एल आर, कैनन, सोनी, कैनन, इधर देखो जे बी एल है, निकॉन है, ये आंटी अगर स्पीकर है 4K, ये छोटू सा ड्रोन भी है, देखो भाई सामने जामा मस्जिद दिख रहा है आपको, और उसी के जस्ट सामने में भाई इतनी सारी भीड़ देख रहे हो, सब खरीदारी करने के लिए आई है। मालोंडे फोन चेक कर रहे हैं, चेक करो, देखो चल रहा है भाई, चल रहा है फोन, चल रहा है भाई, गिटार भी बिक रहा है भाई, गिटार आजकल सूखते तो। दोस्तों ये है दिल्ली के चोर बाजार की सच्चाई, और काफ़ी सारे लोग व्यूज़ पाने के लिए भाई स्कैम करते हैं, जो कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा ही होगा, ठीक है। तो ये उनके प्राइस है, और यहाँ पर भाई वीडियो को भी शूट करने नहीं देते, जो भी लैपटॉप कैमरा या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं ना, वो भाई वीडियो को शूट करने से मना करते हैं कि भाई वीडियो मत बनाओ, एक भाई ने तो वीडियो डिलीट भी करवा दिया था। तो ये चीज़ें हैं, और ना जाने ये जो लोग हैं जो भी भाई 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में फ़ोन मिलता हुआ दिखा देते हैं कि इतने मिल रहा है, तो ऐसा तो कहीं नहीं होता भाई, कोई इतना मतलब सामने से जो है वीडियो बनवाने ही नहीं देता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग व्यूज़ के चक्कर में स्कैम करते हैं आप सभी के साथ, तो उससे बच के रहें। एंड ये दोस्तों सच्चाई है दिल्ली के चोर बाजार की। आई होप कि आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि जो भी लोग जा रहे हैं चोर बाजार या जाना चाहते हैं वो भाई बचें, क्योंकि कोई भी चीज़ भाई सस्ती नहीं मिलती। इससे अच्छा तो 50 रुपये का टेम्पर जो वहाँ में लगना है, 30 रुपये के इधर तो मेरे इधर ही लगा देते हैं, ठीक है। बेल्ट 100 रुपये की देते हैं, 50 रुपये की अपने तरफ भी मिल जाती है, 100 रुपये की मिल जाती है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है यार। 2000 के जूते मैं वहाँ लेने जाऊँगा, इससे अच्छा मैं दुकान से जाके 2000 रुपये में अच्छे जूते लाऊँगा भाई, समझ रहे हो, अच्छे जूते लेके आऊँगा, ओरिजिनल लेके आऊँगा, वो भी मॉल से। तो बेफालतू का पैसा वेस्ट करना है दिल्ली के चोर बाजार, इतनी भीड़ लगी रहती है भाई मत पूछे। मैं सोचता हूँ कि क्यों आए हैं ये लोग, मैं गया था ये वीडियो शूट करने, मैं भी सोच रहा था कि मैंने आके अपना टाइम मनी
वेस्ट कर दिया, लेकिन बताना मेरा काम है तो मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो आप सभी के साथ। बाकी सब बढ़िया है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।